प्यारे षष्ठ कक्षा के भैया बहन, 28 सितंबर सोमवार अभी सभी के लिए आप सभी के लिए मंगलमय हो। अब हम अलगाव यानी पंचमी विभक्ति वाला कारक पढ़ेंगे। तो संप्रदाने दानी चतुर्थी पढ़ चुके हैं और तदर्थ भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए अपाये यानी अलग होने पर ध्रुवम अपाये प्रदानम सूत्र है, उसी को हमने आसान बनाया है। तो देखिए क पतति कर्ता क्रिया, कस्मात पतति अपादान और क्रिया, कुत्र पतति आधार और क्रिया, यानी प्रथमा पंचमी और सप्तमी। अब देखिए पत्रम पतति पुष्पम फलम पतति सब होगा। तो पत्रम वृक्षात पतति, तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पुष्पम पतति, वृक्षात फलम पतति, इस तरह जुड़ जुड़ करके आप बनाएंगे। अब कहाँ का प्रकृता है तो भूमौ पतति अधा पति, अधा मन नीचे, भूमौ मन जमीन पर। अब देखिए वृक्षात पत्राणी भूमौ पतंती, वृक्ष से पत्ते जमीन पर गिरते हैं। सोपानात वृद्धा पतति, सीढ़ी से बूढ़ा गिरता है। गगनात उल्काह पतंती, आकाश से उल्काएं गिरती हैं। इसी तरह से वृक्षात फलानी पतंती, तरोह पुष्पाणी फलानी पत्राणी पतंती। सोपानात वृद्धा पतती, तो वाहनात वृद्धा पतती, वाहनात बालकः पतती, गगनात उल्काः पतंती, तो आकाशात उल्काः पतंती। इस तरह बढ़ाने का क्रम आप सीखेंगे। अनुवाद दिया जा रहा है, वह वाहन से गिर पड़ा, तो वाहन से अलग हुआ वाहनात, गिर पड़ा का अपतत, बंदी कारागार से भाग गया। तो कारागार संस्कृत शब्द है, बंदी भी संस्कृत शब्द है। तो यहाँ अलग हो गया, भाग गया, निकल गया, सर्प बिल से बाहर आया, तो ये भी बिल से अलग हो गया, यानी अलग होने के अर्थ में ये सब दिया हुआ है। तो इनको आप देखेंगे और आपको मैं षष्ठ और अष्टम का भी इसी में जोड़ देता हूँ, इसको भी जरा देखिएगा, आपकी रुचि में बढ़ेगा। अब देखिए अष्टम वाले में भी झांक लीजिएगा और दसम वाले में भी झांक लीजिएगा, सब मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा अस्तर इधर उधर हुआ है। तो इन सबको मिला करके देखने वाले बच्चे का, विद्यार्थी का ज्ञान विस्तृत होता है, विस्तार पाता है। जो नहीं करते उनका सिक्म संकुचित रह जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ समाप्त करता हूँ। जिनको समस्या होगी वो पूछेंगे, ये मैंने इसलिए प्रयास किया है कि परीक्षा आएगी, आप उत्तर देंगे और उत्तर देने के क्रम में कारक विभक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, अनुच्छेद लिखने के समय में कारक विभक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा तो परेशानी होगी, प्रश्नोत्तर देते समय भी ज्ञान नहीं रहेगा तो परेशानी होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कारक का पाठ चलाया जा रहा है। एक दो दिन में कारक खत्म हो जाएगा, तब आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए और पुस्तक का स्वाध्याय कीजिए, कारक का विस्तार कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। प्यारे भैया बहन, कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछेंगे, और परीक्षा नज़दीक आती है तो पूछना शुरू करते हैं। उस समय मैं किसी का नहीं सुनूँगा, क्योंकि उस समय दूसरी बात रहती है और जिम्मेवारी बढ़ गई रहती है, तो उस समय फुर्सत नहीं मिलती। आप लोग चाहते हैं अंतिम समय में बताएं, तो बता कहाँ से पाएंगे, समय होगा तब ना। तो यह पाठ समाप्त होता है, धन्यवाद।